शाहिद आफरीदी ने साबिक कप्तान जावेद मियांदाद, वकार यूनस और शुएब मलिक के बारे में सनसनीखेज इंकशाफात कर दिए, जबकि स्पॉट फिक्सिंग स्कैंडल से मुतल्लिक भी कई राज किताब में तहरीर किए हैं। जानिए एहसान खान से। थक्के चौकों की बरसात करके बॉलर्स की सिट्टी गुम करने वाले पाकिस्तानी क्रिकेट टीम के साबिक ऑलराउंडर का अपनी आप बीती में भी जारहाना स्टाइल। बूम बूम आफरीदी ने अपनी किताब गेम चेंजर में तहलका खेज इंकशाफात कर दिए। किताब में आफरीदी ने जावेद मियांदाद के साथ इख्तलाफात से पर्दा उठाया और बताया कि जावेद मियांदाद को इनके बैटिंग स्टाइल से नफरत थी। 1999 में चेन्नई टेस्ट से पहले नेट प्रैक्टिस न करने दी। प्रेजेंटेशन तकरीब में मुझसे जबरदस्ती तारीफ कराई। मियांदाद को बड़ा खिलाड़ी समझा जाता है मगर वो छोटे आदमी हैं। किताब में आफरीदी ने वक्कार यूनुस को भी नहीं बख्शा। किताब में लिखा कि वक्कार यूनुस बदतरीन कोच और कप्तान थे। वक्कार यूनुस ने मेरे खिलाफ लॉबिंग की। एजाज बर्ड वक्कार यूनुस की बातों में आ गए। उन्होंने मजीद लिखा कि शुएब मलिक को कप्तान और बर्ड को नायब कप्तान बनाना गलत इकदाम था। कान का कच्चा शुएब मलिक बुरे लोगों से बुरे मशवरे लेता था। उनका कहना था कि स्पॉट फिक्सिंग स्कैंडल का बहुत पहले इल्म हो गया था। मजर मजीद ने फोन मरम्मत के लिए लंदन में एक दुकान पर दिया था। इत्तेफाकन दुकान का मालिक मेरे दोस्त का दोस्त निकला। मजर मजीद के फोन से पाकिस्तानी खिलाड़ियों को किए गए पैगामात मिले। शाहिद आफरीदी ने अपनी आपबीती में लिखा कि टीम मैनेजमेंट को सबूत दिखाए मगर कोई एक्शन ना हुआ।